डियर इन्वेस्टर्स, प्रॉफिटियर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम। टेस्ट मैच शुरू होने का वेट कर रहे हो आप लोग, राइट? इट्स रेनिंग देयर इन साउथहैम्पटन। वेल, आई टेल यू द स्टोरी ऑफ एन इन्वेस्टर कॉल आई जस्ट हैड इन द आफ्टरनून व्हेन ऑल ऑफ अस वर वेटिंग फॉर द मैच टू बिगिन। एंड देखिए, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं स्टॉक का नाम नहीं लूँगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑन आ वीडियो आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द स्टॉक, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ जाओगे कौन से स्टॉक की बात हो रही है। यू गाइज आर सो स्मार्ट, यू विल अंडरस्टैंड। सो दिस इन्वेस्टर, माई क्लाइंट हैड जस्ट कॉल्ड मी, आई वॉज ऑन अ क्लाइंट कॉल एंड ही सेड बाकी सब ठीक है, अभी मेरे पास है ना 75,000 रुपीज़ बचे हैं लमसम। ये 75,000 अभी पोर्टफोलियो बन गया, सब कुछ हो गया, ये बचा है, इसका क्या करना है? सो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा आई हैड सजेस्टेड मैरिको एज अ स्टॉक की कभी भी अगर FD करने का मन करे, FD करने का मन ना भी करे और उतने ही रिटर्न्स चाहिए, कम से कम 9 to 10%, देन आई थिंक मैरिको वुड बी अ गुड बेट, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट इज़ माई अनालिसिस, माई बिलीफ एंड माई रिसर्च। लेकिन अभी उसके पोर्टफोलियो में उनके मैरिको भी है, तो ऑब्वियसली उसमें वो लमसम डाल नहीं सकते बिकॉज ही इज़ डूइंग अ मंथली SIP। सो अब देखिए, वो लॉजिक कहाँ से टेस्ट मैच प्लेइंग लॉजिक उनको समझ में आता है वो देखिए आप। ही इज़ अ वेरी मिडिल एज्ड काइंड ऑफ इन्वेस्टर एंड वेरी ओपन टू न्यू आइडियाज़। मैंने उनको बोला, आप एक काम करो, एक स्टॉक है अराउंड अबाउट 200 रुपीज़ का है, 200 रुपीज़ पर शेयर, वेरी बिग कंपनी, आप सब समझ जाओगे कौन सी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप ये भाव पे शेयर लेते हो, अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट अराउंड 360 शेयर्स आपको लमसम में मिल जाएंगे, आज करंट 18th जून के भाव पे मिल जाएंगे लगभग, विद द मनी यू हैव। अब मैंने उसको ये बताया, देन ही टोल्ड मी, देखो मुझे ये 75,000 बैंक में नहीं रखना है एंड आई वॉन्ट समथिंग दैट पेज मी 8 to 9%, तो ऐसा कुछ बताओ। सो दिस ही टोल्ड मी लेटर। मैंने बोला, इवन बेटर, यू टेक दिस स्टॉक, ओके, यू कीप इट देयर, यू डोंट वॉन्ट टू यूज़ दिस 75,000, राइट? और आपको चाहिए हर साल 9-10% रिटर्न आता रहे। अब ये जो कंपनी है, ये इस 200 रुपये के भाव पे 5% डिविडेंड देती है एट दिस प्राइस, यानी ऑलमोस्ट एवरी ईयर 10 रुपये का आपको डिविडेंड मिलेगा। आपके शेयर्स कितने हैं? 360, राइट? तो एवरी ईयर टोटल इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड सब मिला के 10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा एंड मिनिमम ये 200 से 212 रुपए तक तो जाएगा, या 200 से 200 से 218 तक तो जाएगा ही जाएगा। मतलब आप मिनिमम 7% ग्रोथ तो यहाँ से पकड़ के ही चलो, मिनिमम इन अ ईयर, मतलब अ ईयर इज़ अ लॉन्ग टाइम। तो ही कन्विंस्ड एंड ही अंडरस्टूड एंड मैंने उनको कहा, ये हिस्ट्री रही है कि डिविडेंड यील्ड जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स फैक्टर इन नहीं कर पाते, दे डोंट डू इट, बट अल्टीमेटली ये स्टॉक 200 रुपये पे लेके अगर आप छोड़ दें तो हर साल स्टॉक प्राइस मूवमेंट प्लस जो डिविडेंड आपके बैंक में डायरेक्ट जमा हो रहा है, कुल मिला के टोटल इफ़ यू एड इट अप, इट्स गोइंग टू गिव यू 21 रुपीज़ एवरी ईयर, मे बी मोर बिकॉज किसी साल में ज़्यादा, लेकिन मिनिमम आपको 12% रिटर्न इस स्टॉक में मिलेंगे, 21 to 24 रुपीज़ ऑन 200 रुपीज़ पर शेयर पे, 21 से 24 रुपया पर शेयर, 12% रिटर्न विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी FD, विदाउट एनी बैंक डिपॉजिट, कुछ नहीं, सिर्फ पकड़ के रखना है स्टॉक। एंड लाइक मी, ही ऑल्सो लाइक्स टेस्ट मैचेस, मुझे क्रिकेट में सिर्फ टेस्ट मैचेस पसंद है बिकॉज आई डोंट लाइक T20 एंड वन डे, अल्टीमेटली इट्स अबाउट एप्लीकेशन। आप देखो टेस्ट सीरीज़ में जितना टेस्ट ऑफ कैरेक्टर होता है, वही लॉजिक और वही टेस्ट ऑफ कैरेक्टर एज एन इन्वेस्टर आपका पेशेंस टेस्ट होता है, मार्केट टेस्ट योर पेशेंस। सो ही इमिजिएटली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड ही बॉट द स्टॉक टुडे। मैं स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, आई एम श्योर यू नो इट वेरी वेल। अगर आप नाम गेस कर सकते हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज एंड ऑलवेज प्लीज़ रिमेंबर, एज ऑलवेज कीप प्रॉफिटिंग।